हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एजर्शन इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड रीजन सेज ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ए स्टेटमेंट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी सेज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अब हमारे पास क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम पाई से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू आई सी इंटू आर इंटू टी। सो सी हमारे पास क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन का मतलब है कि सी हमारे पास किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम के। सो हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास क्या है, इट इज वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, और उसके अलावा हम हमें सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। नो, इट्स प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलैलिटी नॉट टू मोलैलिटी। सो हमारे पास एजर्शन तो ट्रू है बट रीजन जो है वो हमारे पास करेक्ट नहीं है। सो हमारे पास क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।